हमने इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ना, तो देखो हमने अभी तक एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना। इक्विलिब्रियम मतलब अगर गैस फेज में था तो केमिकल इक्विलिब्रियम था, एक्वस में था तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम उसको बोला। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग एक्सटेंट देखते थे रिएक्शन का, कितने एक्सटेंट तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लाइक हम लोग ऐसा देखते थे ये प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में जा रहा है, अगर के हमारा 10^10 है मतलब प्रोडक्ट में जाने की टेंडेंसी बहुत 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 ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट रिएक्शन प्रोडक्ट में चली जाएगी, है ना। मैंने उल्टा लिख दिया, ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा ऐसा, ठीक है। अगर के का वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्शन की प्रोडक्ट में जाने का एक्सटेंट बहुत कम हो, और रिएक्शन मोस्टली रिएक्टेंट में ही रहेगी, प्रोडक्ट में बहुत कम जाएगी, ठीक है। ये चीज हमने केमिकल काइनेटिक केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम में देखी थी, ठीक है। दूसरी चीज एक हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात करते थे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, इसके बारे में हम लोग बात करते थे थर्मोडायनेमिक्स में, कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। हम लोग रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चेक करते थे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। वो हम लोग देखते थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सटेंट देखते थे कि किस एक्सटेंट तक हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं टाइम, कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली तो जाएगी बट कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाएगी। हम लोग रेट देखते हैं रिएक्शन का, टाइम देखते हैं कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी या फिर कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग इसी में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। पहले कुछ हम लोग लिखते हैं क्या इसमें, इन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स वी डील विथ वेरियस क्राइटेरिया। वी डील विथ वेरियस क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में सेम चीज को घुमा फिरा के, क्या इन थर्मोडायनेमिक्स केमिकल चेंज मतलब रिएक्शन का जो मोल है रिएक्टेंट का वो चेंज, उसका चेंज, केमिकल चेंज इज नॉट रिलेटेड विथ टाइम। टाइम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था कि कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो हम लोग लिखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट, इन केमिकल काइनेटिक्स वी डील विथ केमिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई कितना मोल कितने टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या फिर रिएक्टेंट का कितना मोल कितने टाइम में खत्म हो रहा है। एक्चुअल में हम लोग रेट की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन का रेट कैसा है, रिएक्शन बहुत फास्ट है बहुत स्लो है मॉडरेट है, मॉडरेट है तो कैसा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं क्या, इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें कुछ अलग टाइप का मैकेनिज्म है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे,
कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें उन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो उसका एक रेट होगा। रेट मतलब उसके मोल्स टाइम के साथ कैसे कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली रिएक्टेंट के मोल टाइम के साथ कम होंगे और प्रोडक्ट के मोल टाइम के साथ बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख दें थ्री टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जिसको हम लोग आर ओ डी भी बोलेंगे फ्यूचर में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रेट हमेशा डिसअपीयरेंस की फॉर्म में ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट तो डिसअपीयर होगा ना, इसलिए हम लोग एक तो बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एक हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब आर ओ ए ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो टाइम के साथ प्रोडक्ट मेरा अपीयर होगा मतलब फॉर्म होगा। एक हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब अगर रिएक्शन 20 सेकंड में कंप्लीट हुआ है तो हो सकता है किसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, किसी टाइम पे कम हो। जैसे मान लो हम लोग ट्रेवल करते हैं, सपोज करिए तुम्हें जाना है, मान लो तुम जा रहे हो पनवेल से निकले हो, तुम मान लीजिए तुम सी वुड्स तक गए, तो तुम्हारी बाइक की स्पीड हमेशा सेम थोड़ी रहेगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो होता है एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो हम लोग यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। बोलिए। अब देखो मान लीजिए मैं बोलता हूँ लेट कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है ना, इसमें हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि जिस रेट से मोल कम हुआ है उसी रेट से कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, या फिर जिस रेट से मोल ज्यादा हुआ है मतलब ज्यादा बना है उसी रेट से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन मोल के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा। इतना समझ आता है? हाँ सर। हाँ तो देखिए मान लीजिए हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट के लिए, हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं आर ओ डी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में या फिर किसी टाइम टी वन पर रिएक्शन जो रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी वन थी, किसी टाइम टी टू पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन अब सी टू हो गई है। तो पहले तो मुझे बताओ सी वन और सी टू में कौन बड़ा है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, बड़ा कौन है, C1। ऑब्वियसली C1 बड़ा है क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होगा। तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नीचे R का मतलब है रिएक्टेंट। वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, मतलब C2 माइनस C1 टाइम टेकन T2 माइनस T1। और हम लोग हमेशा पूरी इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो हमें इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया होगा तो हमेशा नेगेटिव में गिवन होगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है सर, कि टाइम के बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट, है ना, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ आ रही है? बोलो।
हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इधर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर टाइम है, तो रफ ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई ग्राफ नहीं है, रफ ग्राफ में बना रहा हूँ, कैसा भी ग्राफ आ सकता है, रिएक्शन अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। मान लीजिए ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया कि किसी टाइम टी वन पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी सी वन, किसी टाइम टी टू पर कॉन्सेंट्रेशन हो गई है सी टू, है ना। तो यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन सी वन है टाइम टी वन पर, फिर टाइम बढ़ा टी टू तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई है सी टू, टाइम के साथ मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट समझ आ गया। बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलिए अच्छी बातें समझ आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे उसमें लिखा ना कि जैसे मान लीजिए किसी टाइम कैसे लिखें इसमें, अगेन इसमें भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, पहले ऐसा नहीं लिख, पहले ऐसा लिखते हैं, किसी टाइम T1 पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, टाइम T2 हो गया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C2 हो गया, बड़ा कौन है C1 या C2? C2, C2, C2 बड़ा है क्योंकि टाइम के साथ तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना। ठीक है, तो अब इसमें अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन T2 माइनस T1। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो बना दीजिए सेम, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं है, ये ऐसा ही मतलब ग्राफ एकदम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, यूं ही बता रहा हूं मैं कि भाई टाइम के साथ मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो इधर टाइम है इधर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए सी टू, ये सी वन, ये टी वन, ये टी टू, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। इतनी बात समझ आती है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बोलो। चलिए एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट में लिख देता हूं, पॉइंट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डजंट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कभी डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को मैंने लिखा है N2 plus 3H2 gives 2NH3 तो उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 1 है, अगर रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस भी कुछ चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला कभी भी। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। हाँ। बोलो। तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या मैंने लिखा, N2 plus 3H2 gives 2NH3। स्टार्टिंग में मान लीजिए T equal to 0 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2M थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 6M थी, T equal to 10 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड बाद ये 1 ही रह गया और ये 3 रह गया और ये 2 बन गया, ये 0 था पहले, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या बोलोगे? वन बाय टेन कॉन्सेंट्रेशन 1 डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय 10, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, या तो ऐसा लिखो, या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो ही मत, है ना, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं लिखते हो तो नेगेटिव साइन बताना है। अगर मान लो मैं लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 तो क्या होगी? क्या होगी, जल्दी बोलो, 1/5 1/10 H2 का सर 3/10 होगा, 3/10 होगा, 3/10 होगा ना, ये होगा 3/10। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस
ऑफ एन एच थ्री वो कितना होगा, 1/5, 2/10 मतलब, बोलो सर। ठीक है चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी तक बात करी है रेट ऑफ रिएक्शन में, थ्री टाइप की रेट होती है। सबसे पहला हमने देखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देन रेट ऑफ अपीयरेंस। अब थर्ड बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड रुके थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसमें तो सबसे पहले तो एक चीज है जो काम का है उसको पहले लिख देते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका एक और नाम होता है ROR, या तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हमारे फॉर्मूले से डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे कोई नॉर्मल रिएक्शन लिखी, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी और डी डी। जो कैपिटल ए बी है वो रिएक्टेंट है, कैपिटल सी डी है वो प्रोडक्ट है, स्मॉल ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। तो हम लोग देखो यहाँ से क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यार इसमें ना एक थोड़ा सा लफड़ा है, एक सेकंड रुको, मैं ना इसमें साइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया है अभी, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें डिसअपीयरेंस के टाइम में साइन नहीं लिखते। एक सेकंड रुके, यार एक तो मिल नहीं रहा। चलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ ना, याद तो है वैसे मेरे को। हम लोग ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि सी तो प्रोडक्ट है इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, divided by c is equal to rate of appearance of d divided by small d। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस बाय ए, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बाय बी, रेट ऑफ अपीयरेंस बाय सी, रेट ऑफ अपीयरेंस बाय डी, ऐसा लिखते हैं। जैसे मोल वाला फॉर्मूला था ना लगभग वैसा ही है। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, रेट ऑफ वॉइस आ रहा मेरा सब पीओएसी जैसा ना, हाँ पीओएसी जैसा नहीं, मोल मोल एनालिसिस जैसा। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो है नेगेटिव साइन में डेल्टा ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू नेगेटिव साइन डेल्टा बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और बी इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सी वाले केस में नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया है सर, वो प्रोडक्ट का
अपीयरेंस रेट है, तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो डेल्टा ए के आगे नेगेटिव साइन और डेल्टा बी के आगे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि डेल्टा ए खुद नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद यूनिट की। यूनिट क्या होगा तो बताओ, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मोलारिटी यूनिट टाइम। यूनिट होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये यूनिट होगा मोलारिटी सेकंड इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर और लिख देता हूँ, ऐसा डिवाइड वाला सा लग रहा है वो, तो या तो ये और या ये। यूनिट क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलिए ओके, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन करके बताऊ। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 3A plus 5B gives 2C. Moles of C formed. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा लिखते हैं moles of C found to increase by 5 into 10 raised to the power minus 4 in 20 seconds if reaction occurs in a 2 liter vessel, then calculate rate of disappearance of A, comma rate of appearance of C, comma rate of reaction. तीनों चीजें कैलकुलेट करनी, करके बताओ। हो गया? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ध्यान दे, हम लोग मोलैरिटी निकालें। मोलैरिटी क्या होगा? मोल कितना है अभी 20 सेकंड के बाद डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा? 2.5 into 10 raised to the power minus 4, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालें, तो वो कितना आएगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, फाइनल कितनी है? इतनी, इनिशियल कितनी थी? जीरो,
क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है, वो तो बना ही नहीं होगा। टाइम टेकन कितना है 20 सेकेंड, तो ये कितना आता है सॉल्व करने पर? 7.25 × 10⁻⁵ ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका निकालना है ए का, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा है? बोलो। हाँ सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो 1.25 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.625 × 10⁻¹⁵ यही आएगा? हाँ सर। ठीक है, × 10⁻¹⁵ और लिख देते यूनिट एम सेकंड इनवर्स। ऐसे अगर हम लोगों को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है तो वो क्या आएगा? 3/2 × rate of appearance of C, यही बोलेंगे। तो बस इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इसको 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.875 × 10⁻¹⁵ एम सेकंड इनवर्स। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए तो देता हूं, क्वेश्चन क्या है? फॉर द गिवन रिएक्शन आर ओ ए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन टू, वो कितना गिवन है? वो गिवन है 56 g/min। फाइंड आर ओ डी ऑफ वॉट सी एच थ्री होल ट्वाइज एन टू एंड आर ओ ए ऑफ सी एच थ्री होल ट्वाइज इन मोल पर मिनट। रिएक्शन क्या दे रखी है? रिएक्शन भी दे रखी है सी एच थ्री होल ट्वाइज एन टू गैस है, ये बनाता है क्या? CH3 गैस प्लस N2 गैस। कर दीजिए। टू आएगा। बोलो। हाँ सर। ठीक है, दोनों के लिए 2 ही आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, रेट हमें क्या दे रखा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन टू गिवन है ना, वो कितना दे गिवन है? 56 g/min। अब यूनिट चेंज करो, इस ग्राम को मोल में चेंज करना है तो इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। N2 का मॉलिक्यूलर मास 28, तो आएगा 56 ग्राम का मतलब N2 के लिए कितना हो गया? 2 मोल पर मिनट, ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा। चलिए हाँ। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी का सेम सा है 111, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CH3 होल ट्वाइज N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ appearance of C2H6 is equal to rate of appearance of N2. तो सारे के सारे आंसर मतलब rate of appearance of C2H6 और rate of appearance of N2 दोनों ही equal आएंगे और कितने आएंगे? 2 मोल पर मिनट। क्लियर है इतना? हाँ हाँ सर। चलिए अब एक नई चीज हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हैशटैग रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? पहली चीज तो हम निकाल नहीं सकते थ्योरेटिकली, हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें हम लोग एट इज द which represent the dependency of rate of reaction या फिर rate of disappearance या फिर rate of appearance on the ऐसा दिखेंगे यहाँ rate dependency of rate of appearance disappearance or rate of reaction on the concentration और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एक्टिविटी. हम लोग एक्टिविटी का मतलब प्रेशर से भी ले सकते हैं, मोल से भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से भी ले सकते हैं. एक्टिविटी एक जनरल टर्म है बट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को स्टैंडर्ड मान के करते हैं हमेशा. मतलब हम लोग जरूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में कमी या कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट के टर्म्स में ही डिफाइन करें कि कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है या कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है. उससे जरूरी नहीं है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें. हम लोग मोल से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो प्रेशर में डिक्रीमेंट इक्रीमेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब एक्टिविटी बोलते हैं उन सब चीजों को जनरलाइज वे में, बट हम जनरली क्या लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन. इट इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ आर ओ आर आर ओ डी आर ओ ए ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब रिएजेंट के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखी, क्या पी ए प्लस क्यू बी गिव्स आर सी प्लस एस डी. जो पी क्यू आर एस है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है. तो हम बोलते हैं जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, की और उसके पावर में, ठीक है. एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना. एक्टिविटी का मतलब हम लोग जनरली कॉन्सेंट्रेशन से ही लेते हैं, तो पहले तो जनरलाइज वे में लिख रहा हूँ इसलिए कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं. और एक्टिविटी किसकी, बी की. हमेशा रिएजेंट के बारे में ही बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है. तो एक्टिविटी ऑफ ए उसकी पावर अल्फा एंड एक्टिविटी ऑफ पी उसकी पावर बीटा. ये अल्फा और बीटा क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कौन से, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आएगा के. ए का मतलब एक्टिविटी है किसकी, ए की. और इसे ए का मतलब है एक्टिविटी है किसकी, बी की. इसकी पावर में अल्फा, इसकी पावर में बीटा. अब देखो हम लोग पहले सारी चीजों को बता देता हूं मैं, है ना. पहली चीज कैसे होता है इसको, है ना, डायरेक्ट बोल ही देता हूं मैं ना, क्योंकि बाद में भी बोलना है अभी भी बोलना है, एक ही बात है. तो हम लोग बोल देते हैं क्या अल्फा क्या है, ये देखो डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग. अल्फा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है. चलिए अब हम लोग एक्टिविटी को जनरलाइज कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख देते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, के ए की पावर में अल्फा, बी की पावर में बीटा. अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है. अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है रिस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, बीटा क्या है बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर. अगर हम लोग बोले ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वो क्या होगा, तो हम बोलते हैं सारी पावर का हम लोग सम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा. ए के रिस्पेक्ट में जितना भी ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में जितना भी ऑर्डर है, उन सबका सम कर देंगे. तो ये क्या आ गया है, ए के ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ गया. तो ये हमारा रेट लॉ है, दिस इज रेट लॉ. ये रेट लॉ का इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंसी कैसा है रिएजेंट के साथ. ये है हमारा रेट लॉ. हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही लिख सकते हैं इसको. इतनी बात समझ आई? यस सर. हाँ सर.
देखो अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखा है, अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पर क्या है, यहां पर है पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, बी का, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्यू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है पी, क्यू के बाद आर, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एस, ऐसा होता है ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है। तो हम लोग यहां से देखो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ आर ओ आर क्या था, के ए की पावर में अल्फा, बी की पावर में बीटा। ये पावर कैसे पता चली, ये हम नहीं पता लगा सकते जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, एक्सपेरिमेंटली इस पावर अल्फा और बीटा का पता चलता है। तो अगेन मैं वापस क्या लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी is equal to rate of disappearance of B divided by Q is equal to rate of appearance of C divided by R is equal to rate of appearance of D divided by S। अब एक एक को पकड़ पकड़ के अगर मैं लिखूं, है ना, ये एक्टिविटी होता है, बट हम लोग जनरलाइज यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ A लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, K into P, ए की पावर में अल्फा, बी की पावर में बीटा, क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ सर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बाकी को भी लिख सकते हैं मैं, बट ए के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें कर रहा हूं, बाकी लोगों को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया के कांस्टेंट है, यस हाँ, पी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है, हाँ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको लिख देता हूँ के ए, के इनटू पी को के ए लिख दिया है, इधर ए की पावर में अल्फा, इधर बी की पावर में बीटा, के इनटू पी को हमने के ए लिख दिया है, ठीक है। अब ये के ए को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, k इज इक्वल टू, जैसे k डिफाइन होगा वैसे ही kb kc kd भी डिफाइन होगा, तो k इज इक्वल टू ka डिवाइडेड बाय p, kb डिवाइडेड बाय q, kc डिवाइडेड बाय r, kd डिवाइडेड बाय s, लिख सकता हूं क्या ऐसा? हां सर, हां ठीक है। तो हमने यहां पर देखो रेट लॉ बता दिया, फिर रेट लॉ को यहां से कंपेयर कर दिया है, इसे भी कंपेयर कर दिया, जो मैंने पहले आर ओ आर पढ़ा था और जो अभी आर ओ आर पढ़ा, दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर उसके बाद एक नई चीज और हमने पढ़ ली, के कि जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के होता है, वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट होता है उससे कैसे वो रिलेटिव होता है। इतनी बात समझ आई? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए अब थोड़ी बातें रेट कांस्टेंट के बारे में भी कर लेते हैं ना। रेट कांस्टेंट क्या बोलता है, तो हम लिखते हैं सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रेट कांस्टेंट, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रेट कांस्टेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड इक्वल टू and equal to rate of reaction when activity of reaction constituents is taken unity। इतनी बात समझ आई, ये मैंने लिखा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को या किसी को डाउट है? क्लियर है सर। अगर हम लोग रिएक्शन के अंदर जो एक्टिविटी है, मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, इसको वन वन ले ले, तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
सेकंड पॉइंट जिसपे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, हम बोलते हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन, है ना, फॉर अ गिवन रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन फिक्स रिएक्शन हमें दे रखी तो हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था ना, सेम यहां पर भी वही रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। थर्ड चीज क्या है, यूनिट ऑफ के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के का यूनिट क्या होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, फिर इसके आगे सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स होती है, मतलब एक्टिविटी और ओवरऑल की पावर एन मान लो, है ना। एन क्या हो गया, ओवरऑल पावर एन माना है, तो एन का मतलब क्या हुआ यहां पर, वो अल्फा प्लस बीटा ही तो एन हुआ ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की ओवरऑल पावर एन माना है, तो यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एन का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम सिर्फ यूनिट निकाल रहे हैं, यूनिट कैसे निकाले के का। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू के, और इधर कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, तो के का यूनिट क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन माइनस एन डिवाइडेड बाय टाइम, यही हुआ, बोलो। हाँ सर। तो यहां से जो यूनिट निकल के आया है, यूनिट आया है मोलैरिटी की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, वो सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, हार्स इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका यूनिट मोलैरिटी को और अच्छे से लिखें तो आएगा मोल की पावर वन माइनस एन लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ। तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट को ध्यान रखें, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के से सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, यूनिट ऑफ के की बात करें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट क्या होगा, बोलो। मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट होता है ओनली सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए होता है मोल इनवर्स सेकंड, सॉरी लीटर भी तो आएगा, मोल इनवर्स फिर इधर लीटर, एन की जगह टू रख रहा हूं बस, है ना, और इधर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो के का यूनिट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में के का यूनिट दे रखा है, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ के इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल की पावर माइनस 2 सेकंड की पावर माइनस 1 लीटर की पावर 2 करो बताओ। बोलो 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 क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग यहां से, ना इसको अगर मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना आएगा, 3, ठीक है। निकाल लेना कैसे होगा, बहुत टफ नहीं है, आसानी से आ जाएगा, क्लियर है इतना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है,
जैसा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वैसे ही एक टर्म और होती है हमारे पास मॉलिकुलरिटी, है ना। मॉलिकुलरिटी वो क्या होता है, क्या होता है मॉलिकुलरिटी, किसी को पता है? बोलो। सर तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का भी इसमें होगा क्या? नहीं तो इसमें हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो साइमल्टेनियस collision to form product। मतलब कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उससे हम लोग रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी cannot be a zero fraction or negative। obviously कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि zero molecule collide कर दिए, या फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि one third molecule या फिर half molecule collide कर दिया, या फिर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि minus two molecule ने collide कर दिया, हमेशा ये positive integer ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी अबव 3 इज रेयर। मतलब हम बोलते हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम तीन मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, बट 4, 5, 6, 7 इस तरह के मॉलिक्यूल का आपस में एक साथ कोलाइड करना बहुत रेयर केस होता है। तो हम बोलते हैं 3 के ऊपर जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो रेयरेस्ट होती है, ठीक। ऐसे हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी, क्या जैसे हमने ऑर्डर के बारे में तो पढ़ लिया। ऑर्डर क्या होता है कि जो हमारा रेट लॉ होता है उसमें कंसेंट्रेशन की जो पावर्स होती है रेट लॉ के अंदर उनका सम हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हम बोलते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is determined practically and it can be positive, negative, zero, fractional। मतलब order of reaction practically determined होता है, और दूसरी चीज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी में ऐसा नहीं होता। कितनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर का जितना समा बांधना था बेसिक बातें पढ़नी थी पढ़ ली, अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन पूरा ही लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ एक एक करते सभी टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया, चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें, तो देखो इसमें करना क्या होता है, डेरिवेशन वगैरह सब सब हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमने
एनसीईआरटी वाला बोर्ड वाला पेपर भी देना है, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड जो भी, केमिकल काइनेटिक्स तो सभी के पास होगा ही, तो उसमें डेरिवेशन वगैरह सब कुछ हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट है ए, उससे बन रहा है प्रोडक्ट, हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब होता है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो हमें पता है जो रेट लॉ होगा आर ओ आर वो क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट और ए की पावर में जीरो, रिएक्शन जीरो ऑर्डर है और एक ही रिएक्टेंट है उसकी पावर में जीरो लिखेंगे, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। इतनी बात समझ आती है, ऐसा ही होगा? हाँ सर। तो हम लोग, और दूसरा अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, एक तो हमने ये पढ़ा रेट लॉ से, और एक जो दूसरा स्टार्टिंग में पढ़ा वो क्या था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नेगेटिव ऑफ डी ए अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ थोड़ा सा चेंज कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन थोड़ा सा टाइम टेकन डी टी, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब दोनों को इक्वेट करें तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखूंगा, k into a की पावर जीरो, a की पावर जीरो को तो छोड़ो वो तो वन हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ऐसा लिखते हैं माइनस में डी ए और इधर लिख लिया k डी टी, है ना, k तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, पूरी रिएक्शन खत्म हो रही है, मान लीजिए स्टार्टिंग में टाइम जीरो टाइम था, जीरो टाइम पर सपोज करें डीए की कोई कॉन्सेंट्रेशन हुई होगी, ए की कोई कॉन्सेंट्रेशन हुई होगी, स्टार्टिंग में हम लोग जो लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो मान लो सी जीरो थी या सी नॉट, किसी टाइम टी पर बात करते हैं, रिएक्शन कोई टाइम टी तक पहुंच गई है, अब टाइम टी पर ए की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, टाइम टी पर कितनी है वो मान लीजिए वो सी टी मैंने लिख दी, तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट समझ आ गए इंटीग्रेशन की, कि जीरो टाइम पर सी नॉट था पहले कंसंट्रेशन, अब सी टी बच गया है, ठीक है। चलिए डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा, ए सी नॉट से सी टी, के तो ठीक था, डी टी का इंटीग्रेशन टी, टी जीरो से टी, लिमिट्स वाली वैल्यू अगर पुट करूं नेगेटिव साइन सब कुछ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, बोलो। हाँ सर। चलिए हाँ, तो पहला फॉर्मूला हमारा आ गया जीरो ऑर्डर में, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, इसको याद रख लें बिल्कुल। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, मतलब दूसरा इसी से, अब इसी बस देखते जाओ, मान लीजिए हमने क्या बनाया, ए से मैंने बनाया प्रोडक्ट, ये क्या हुआ अभी, ए से मैंने बनाया प्रोडक्ट है ना, ए था उससे मैंने बनाया प्रोडक्ट, सपोज करें तो पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए रही होगी है ना, मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम पर ये ए में से एक्स खत्म हो गया, मतलब अब ए माइनस एक्स बचा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डेरिवेशन मैं ऐसा बोल सकता हूँ सी नॉट इज इक्वल टू तो ए और सी टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ऐसा ही हुआ होगा? हाँ। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो ऊपर वाले डेरिवेशन में ना, यहाँ पर दो लाइन कीजिए थी, एक ही कैसे रह गई, वैल्यू पुट करो ऊपर वाले डेरिवेशन में सी नॉट और सी टी की जगह, तो क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी, x इक्वल टू क्या आ गया है kt, मतलब जितना डिसोसिएट हुआ वो kt के इक्वल था, जितना खत्म हुआ, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। अब एक और चीज स्टामा करके लिख रहा हूं मैं ना, देखो उसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये मैंने a से प्रोडक्ट लिखा, अच्छा मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, बताया था? हाँ सर। ठीक है, अब मैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वन ना होकर मान लीजिए कोई n होता और उससे बनता प्रोडक्ट,
ठीक है। अब रेट लो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, रेट लो तो वही है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। रेट लो क्या होता है, वो तो के और ए की पावर में जीरो। अब ए तो ए ही है, वो तो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्यों चेंज होगा, वो तो वही रहेगा। के क्या है, के का टेम्परेचर पर डिपेंड रखेगा, तो रेट लो वही है। बट अगर मैं इसमें रेट लो दूसरा वाला लिखूं तो वो क्या आएगा, माइनस में डी ए अपॉन, नीचे इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट भी तो आता था, याद करो तुम, डी ए अपॉन डी टी और उसके नीचे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट आता था। हाँ, और ये किसके इक्वल है, ये के के इक्वल है। अब अगर यहां से मैं पूरा डेरिवेशन वापस से करूं तो डायरेक्ट रिजल्ट कोई बता सकता है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? सर सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू एन के टी। देखो डायरेक्ट तुम्हें डेरिवेशन अगर ऊपर वाला समझ आया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू एन के टी। समझ आ रही है बात, ये नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलिए, तो अगर कोफिशियंट दे रखा है उसमें कुछ कुछ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए एक और चीज ध्यान से देखो, एन के का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। देखो मैं जिस पेपर पे मैंने समझाया था वो तुम्हारे सामने ला देता हूं। एन के और के यहां से पता चलेगा। देख लिया हाँ, सर। अब एन के और के का मतलब बताओ। एन के मतलब के ए। यस, एन के का मतलब है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, और के का मतलब है रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन। जो भी रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है। को अब क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि उसने रेट कांस्टेंट क्या दिया है ना। रेट कांस्टेंट अगर ए के रिस्पेक्ट में दिया तो ऑलरेडी वो एन के का वैल्यू दे चुका है ना। अगर रेट कांस्टेंट गिवन रिएक्शन का दिया है कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्चुअली समझनी है। एनके का मतलब है रेट टू ए, के का मतलब है रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, समझ आती है। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज और हम लोग और बात करते हैं, किसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ ना, हाफ लाइफ या फिर हाफ टाइम पीरियड ना, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से और टी 50% से। इसका मतलब होता है रिएक्शन कितना हो गया है, रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, हाफ कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन हाफ कंप्लीट होने का मतलब क्या है, किस रिस्पेक्ट में रिएक्शन हाफ कंप्लीट हुआ, मतलब आधे मोल्स कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ, इसका मतलब होता है रिएक्शन के आधे मोल्स, हमारे रिएक्टेंट के आधे मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इट इज द टाइम when half of the reactant is converted into product, मतलब आधे रिएक्टेंट मेरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सी नॉट तो ठीक है, सी नॉट तो सी नॉट है, वो तो इनिशियली सी नॉट एक सी टी है ना कि सी नॉट है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कहीं पे ब्रैकेट में या बॉक्स बना के लिख देता हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं।
हमेशा ध्यान रखना जो सी नॉट है वो तो कांस्टेंट है और जो सी टी है ना वो वेरिएबल है हमारा। इस बात को फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सी नॉट कांस्टेंट क्यों है? इनिशियल कभी चेंज नहीं होता क्योंकि वो तो इनिशियल मोल टेकन है ना, वो तो जो ले लिया वो ले लिया। सी टी क्या है? टाइम के साथ कितना मोल्स अब बचा है। सी टी का मतलब होता है बचे हुए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना मोल बचा है वो सी टी होता है ना, वो सी टी होता है। वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा क्योंकि वो टाइम के साथ धीरे 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 कम होगा क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है इसलिए। तो अब इस टाइम पर हाफ टाइम पर सी टी कितना बचा है? 50% C0/2 क्योंकि आधा खत्म हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन थी उसमें इसको वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी? सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। तो इक्वेशन आएगा सी नॉट सी टी की जगह सी नॉट बाई टू, के टी की जगह टी हाफ है ना। तो यहां से टी हाफ का वैल्यू क्या आया? बोलो C0 by 2K। पहली चीज इस फॉर्मूले को भी एकदम याद रखना है। दूसरी चीज हम लोग बोलेंगे क्या, इधर ही लिख देता हूं मैं नीचे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग हमेशा बोलेंगे क्या, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। बिल्कुल ध्यान रखे इस बात को। के तो कांस्टेंट था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखें कि टी हाफ सी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन जो तुमने ली है अगर उसको तुमने डबल कर दिया है तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ सर। चलिए एक चीज के बारे में और बता देते हैं फिर, वो तुम ही निकालो, मतलब निकाल ही सकते हो, इतनी मैथमेटिक्स आई है। तो देखो दो चीजें तुम्हें डिराइव करनी है ना, दो हैशटैग ला के मैं लिख देता हूँ, निकाल सकते हो वो अब। तो एक तो तुम्हें डिराइव करना है क्या, टी कलरफुल पेन लिखते हैं, टी 3/4 डिराइव करना है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं टी 75%। और एक तुम्हें डिराइव करना है टी 100%, मतलब टाइम फॉर कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होगा तो वो डिराइव करना। ये दोनों बताओ क्या होगा। सर 75 वाले का C0/4K। ओके सर, इसका जीरो जीरो आ रहा है 100% वाले का। अबे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कोई रिएक्शन जीरो टाइम में कैसे खत्म हो सकती है, मतलब कुछ तो सोचो, जीरो कैसे आ सकता है। उस तो दिमाग, मतलब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा अपना। टी 100% जीरो आ रहा है। तुम समझे नहीं बात को। सी टी का मतलब होता है अब बचा कितना है, लेफ्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके सर। सर 100% का सी नॉट बाय के, सी नॉट बाय के आएगा। यस सी टी जीरो हो जाएगा। भी देता हूँ ना, सी टी का मतलब क्या, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूँ ना, मतलब ठीक है होता है कंफ्यूजन। केमिकल काइनेटिक्स कंफ्यूजिंग वाला ही चैप्टर है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। इसमें मैं लिख देता हूँ सी टी का मतलब क्या है,
left moles of A at T time. ठीक है, चलिए C 3/4 यार 75%, मतलब 75% ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये है। तो सी टी बचा कितना होगा? सी नॉट बाय फोर। सी नॉट, अब इक्वेशन लगाओ, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी 3/4। तो यहां से टी 3/4 कितना आया? 3। अच्छा, किसी ने मुझे क्या आंसर बताया था? C not by 4 के बताया था ना किसी ने? हाँ सर। हाँ वो रॉन्ग है ना, ये आएगा 3 C not by 4 के, है ना? याद रखने का जरूरत नहीं, डिराइव कर सकते, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो यहां से देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 3/4 है वो 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बात चल रही है, सारी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चल रही है। 3/4 1.5 टाइम से टी आपका, ऊपर वैल्यू से कंपेयर करके देख लेना। टी 100% का मतलब है रिएक्शन खत्म, तो सी टी क्या होगा? बोलो 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 बोलो। जीरो। तो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी 100%। तो टी 100% कितना आया? C not by K। तो हम बोल सकते हैं T 100% किसके इक्वल है? 2 times of T 50%। इसका क्या मतलब समझे तुम? T 100% is just double of 2 times of T 50%। बताओ। जीरो था, फिर प्रोडक्ट 50 बन गया, प्रोडक्ट नहीं सॉरी टाइम के टर्म्स में हम लोग बात करें, टाइम टी जीरो था, टी 50, टी 100, टी 100%। अगर जीरो से 50 आने में अगर टाइम एक्स लगा है तो 50 से 100 आने में कितना टाइम लगेगा? एक्स ही टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में अगर 2x टाइम लग रहा है, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो हाफ होने में उसको उसका हाफ टाइम ही लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं, अगर ये 25 पर आए या 75 पर आए, तो बताइए जीरो से 75 आने में कितना टाइम लगेगा? टी ऑफ का 1.5 टाइम्स, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, एक्स बाय टू, तो आएगा 3x/2। ठीक है, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? 3x/4 आएगा ना सर? एक बार क्यों? 1.5 of t half ना, t half तो x था। हाँ सर, हाँ। बट मुझे कहीं तो गड़बड़ नजर आ रही है यार, कुछ तो दिक्कत है। सर आपको वो 50% के रेस्पेक्ट में स्टार्ट करना चाहिए था ना, नीचे वाला। नहीं नहीं नहीं, 3x by 2 वाला नहीं, 3x/4 होता है, ओवरऑल टी हाफ का 1.5 टाइम्स, टी हाफ का 1.5 टाइम्स ही होता है ना। सही है सही है, सही लिख रहा हूं मैं जहां से देख के लिख रहा हूं उसने गलत लिखा है। ठीक है, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 0 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलोगे? x/2। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी होती है हमारे किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है यार, मैंने तुम्हें, ठीक है, ये स्पेशलिटी होती है हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कि जितना
मोल्स खत्म हो रहा है उतना ही टाइम लगेगा, चाहे किसी भी इंटरवल में देख लो। इस चीज को हम लोग बाद में लिख भी देंगे अभी, है ना, कि अगर 25 मोल खत्म होने में, जैसे मान लीजिए 25 मोल्स खत्म हुए हमारे रिएक्टेंट के, उसमें अगर 10 सेकंड लग रहा है तो 25 मोल्स कहीं भी खत्म हो हमेशा उसका सेकंड क्या लगेगा, टाइम जो लगेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, बट ठीक है कोई जरूरी नहीं है लिखना। चलिए अब है ना, मैं तुम्हें ग्राफ बनाता हूं ना, ग्राफ में तुमसे एक दो ग्राफ बनवाता हूं, तुम मुझे ग्राफ बना के दो, है ना, किस किस के बीच में एक बार ग्राफ बनाओ, सी नॉट माइनस सी टी, सी नॉट माइनस सी टी और टी के बीच में एक बार ग्राफ बनाओ, सी टी और टी के बीच में एक और ग्राफ बनवाते हैं, एक ग्राफ बनाओ इसके बीच में, एक सेकंड रुको, मैं सारे फॉर्मूले तो देख लूं, पता तो चले ग्राफ किसका बनवा रहे हैं। एक्स और टी के बीच में, एक्स जो मैंने लिया था ना वो ए माइनस एक्स वाला एक्स, उसके बीच में ये तीन ग्राफ ड्रॉ करो। बना लिए, बोलो। हाँ सर। C नॉट माइनस सी टी और टी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। सी टी और टी के बीच में बोलो सर, सिटी से डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में सिटी। हाँ सर, ऐसा आएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, इन पॉइंट के नाम बताओ, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सी नॉट, सी नॉट, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हंड्रेड परसेंट रिएक्शन हो गया है पूरा। ठीक है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा? अरे सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, स्लोप किसके इक्वल होगा सर? माइनस के, कैसे माइनस के? ठीक है, यहां पर स्लोप किसके इक्वल है सर? के इक्वल है, के इक्वल है, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, वाई इक्वल टू एम एक्स, के इक्वल है। ठीक है, और एक्स और टी में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना, एक्स इक्वल टू के टी देखा था, स्लोप के इक्वल, बोलिए।
हाँ सर ठीक है, ग्राफ क्लियर है सभी को? हाँ सर ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट था एक स्टेप में प्रोडक्ट बनना, कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं, वो होती है मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं, दो चार स्टेप में रिएक्शन होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जो सिंपल रिएक्शन होता है एलिमेंट्री, जो सिंगल स्टेप में होती है, उसमें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में माना था, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी थी वो क्या थे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो थे, ऐसा ही लिखा था ना? हाँ सर। तो वो क्या थे, वो उनके ऑर्डर थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो हमने डायरेक्टली ऐसा ही बोला कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही ऑर्डर माना है, मतलब हम लोग क्या मानते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि सारी रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, सिंपल रिएक्शन होती है, एक स्टेप में होती है, तो उनका जो ऑर्डर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो, अगर एलिमेंट्री है तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो डिटरमाइन होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो अब इसी से रिलेटेड एक मैं पॉइंट लिखूंगा, उसको मुझे एक्सप्लेन करना, नोट डाल के। पहला पॉइंट मैंने लिखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैंने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, कभी एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बोलो ऐसा क्यों है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने इससे पहले जो बोला था एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर, वो बात समझ आई तुम्हें? बोलो सर, एक और बार बोल सकते हो क्या? देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग एज ए ऑर्डर नहीं लिख सकते, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर नहीं लिख सकते, एज ए ऑर्डर नहीं लिख सकते, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसमें ऑर्डर प्रैक्टिकली डिटरमाइन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग एज ए ऑर्डर लिख देते हैं, क्योंकि वो स्टेप एक ही स्टेप में वो रिएक्शन हो जाता है। मैंने बोला जीरो ऑर्डर हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, क्यों? बताओ। सोच लो आराम से, तब तक एक पॉइंट और लिख लेता हूं। हाँ बोलो क्या होगा सर? क्योंकि एलिमेंट्री में अगर जीरो हो गया तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी जीरो हो गया ना फिर। तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो किसी भी रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे तो ऑर्डर जीरो है,
तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो जो ऑर्डर होता वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सेम टाइम पीरियड सेम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के 100 मोल्स थे, 100 से उसने 75 हुआ, 75 से वो 50 हुआ, 50 से वो 25 हुआ, 25 से वो जीरो हुआ। तो हर बार देखो 25 25 25 25 मोल्स ही डिसोसिएट हुए। तो अगर इसमें अगर उसको x सेकंड लगा है तो अगले 25 में भी x सेकंड ही लगेगा, उसके अगले 25 में भी x सेकंड और उसके अगले 25 में भी x सेकंड ही लगेगा। मतलब सेम मोल्स डिसोसिएट होने में सेम टाइम पीरियड लगेगा। क्लियर है सेकंड पॉइंट? हां सर। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये फैक्चुअल पॉइंट है, अभी जो नेक्स्ट दो पॉइंट और लिखने वाला हूँ वो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस भी लिखना, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इफ intensity of absorbed light is given, ये direct factual point है, हमें याद रखना है ऐसे कि कोई भी photochemical reaction उसमें intensity of light अगर given है कि ये intensity है absorbed light की, तो उस reaction को हम लोग as a zero order reaction consider करें। Next, all the reaction occurring on metal surface is an example of zero order reaction। कोई भी reaction उसको metal surface पर करवा रहे हैं, है ना, बहुत सारी reaction होती है उसमें as a catalyst metal surface use करते हैं, तो उस case में भी हम लोग यही बोलेंगे क्या कि सारी zero order reaction है। ठीक है, factual point है, हमने directly याद रखने, इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। चलिए, होमवर्क लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी शायद, तो करके लेके आए, है ना, कल हमारी क्लास है क्या? नहीं है शायद। देखो, एक तो एक्सरसाइज 3 दिया था मैंने कंप्लीट करने को ORM 4 का, और इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स में सेक्शन ए और बी भी कर ले, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो होने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमारा प्लान यही रहेगा कि हम लोग दिवाली से पहले पहले केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लें और कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी खत्म कर लें। ठीक है, ओके सर।